Hello, welcome back to my YouTube channel. My name is Anthony. In this video, I'm going to talk about application fees payment. If you are new to my channel, please consider subscribing. My goal is to help you with my experience, with my knowledge, so you don't need a consultant. You just watch my videos, handle your application, and make your way to Sweden. Let's get started. फीस कैसे पे करनी है, ये बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे मेरे को पूछा और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया. जब आप एप्लीकेशन फी पे क्लिक करेंगे, माय पेजेस में जाना है और माय पेजेस से एप्लीकेशन फी, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि ये जो 900 SEK दे रहे हो आप, ये दो टर्म्स के लिए है. अगर आप इस बार एडमिशन अप्लाई करते हो और सक्सेसफुल नहीं रहता फॉर सम रीजन, नेक्स्ट टाइम आपको फीस देने की जरूरत नहीं है, बल्कि यही फीस यूज होगी. उसके बाद बात कर लेते हैं कि सबसे इजी वे क्या है ये जो 900 SEK पे करना है. सबसे इजी वे ये है कि आप यहाँ पे एग्री करें और आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दें. इसके लिए आपको ऑनलाइन बैंकिंग जो है, इंटरनेशनल ऑनलाइन बैंकिंग ओपन करवानी पड़ेगी. यू हैव टू विजिट योर बैंक, उनसे पूछ लें. बहुत सारे जो बैंक हैं उनमें ऑटोमेटिक होती है, जिनमें से एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है. मैं जब पाकिस्तान था तो मेरा अकाउंट जो था वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में था. मैं इससे पहले भी ऑनलाइन कुछ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करता रहता था, तो मुझे ऑलरेडी पता था कि मेरी ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है वो हो जाती है, पेमेंट हो जाती है. तो मैंने फिर अपने डेबिट कार्ड से कर दिया. लेकिन आप क्रेडिट या डेबिट दोनों में से एक को यूज कर सकते हैं. लेकिन यू शुड आस्क योर बैंक अगर आपने पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया. उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है, चले इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं. सो यहाँ पे आपने अपना जो भी कार्ड है उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, नेक्स्ट करना है. जैसे आप नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट और CVV कोड लिखना. CVV कोड अगर आप कार्ड की बैक साइड पे देखो तो आपको 3 digits नजर आएंगे. आप उनको यहाँ पे मेंशन करोगे एंड देन पे. मैं पे नहीं कर रहा क्योंकि आई एम नॉट सबमिटिंग एप्लीकेशन. उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है कि आप अपने बैंक से करवा लें. अच्छा, जब बैंक से आपने करवाना है तो आपने इसको करना है, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, प्रोसीड टू द बैंक ट्रांसफर. अब यहाँ पे जब आप आ जाते हो तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन, योर बैंक नीड्स टू मेक द पेमेंट, ये इंफॉर्मेशन आपके बैंक को चाहिए. आपने इस पेज का जो है वो प्रिंट निकाल लेना है. यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट, इसको हाईलाइट कर रहा हूं. इसको जैसे ही आप प्रिंट को क्लिक करोगे तो आपके पास ये प्रिंटेड PDF डॉक्यूमेंट आ जाएगा और इस डॉक्यूमेंट को आपने लेकर जाना है अपने बैंक के पास. बैंक जो है उसको कहना है कि ये रेफरेंस नंबर ये वाला डालें जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर है, 900 SEK भेजें, जो ट्रांसफर फी है वो भी आपने बैंक से पूछ लेना है और उन्हें कहना है कि यू विल पे दैट फी. कुछ ट्रांजेक्शन फी होती है, इतनी ज्यादा नहीं होगी, कोई 3-4 euro या 5 euro होगी डिपेंडिंग ऑन द बैंक. और ये इंफॉर्मेशन है universityadmission.se की बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपके बैंक को चाहिए. जैसे ही आप ये पेमेंट कर दें उसके बाद आप इनको एक ईमेल में ये इसकी जो रसीद है वो भी सेंड कर सकते हैं. इनको जो पैसे हैं वो मेरे ख्याल से 3-4 working days में मिल जाएंगे, एक वीक में भी मिल जाएंगे. तो ट्राई टू पे एज सून एज पॉसिबल. अगर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पे करना है तो फिर तो आप 3 days पहले पे कर दें, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन अगर आप अपने बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं तो कम अज कम 2 weeks पहले आप पेमेंट कर दें, क्योंकि आजकल जो ट्रांजेक्शन करना इंटरनेशनल मुश्किल हुआ है. लेकिन ये बहुत छोटी ट्रांजेक्शन है तो इजीली हो जाएगी. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स.